तो यहाँ पे ऑन अराइवल स्टिकर वीज़ा मिला है, ये मेरा स्टिकर है 10,75,000। जो ई वीज़ा आप पहले लेके आ सकते हो, और ऑन अराइवल वीज़ा यहाँ पे स्टिकर मिलता है। ऑन अराइवल काउंटर पे जाना है आपने, तो वो आपका पासपोर्ट रखेगा, फिर आगे जाओगे फिर आपसे फीस ली जाएगी। इमिग्रेशन करप्ट है यहाँ की, स्टैंड डॉलर प्लीज। वो मेरे से रिश्वत मांग रहा था। तो दोस्तों अभी हूँ मैं डीएम के एयरपोर्ट पे, और मुझे बॉर्डिंग पास मिल गया, और यहाँ से मेरी फ़्लाइट है लाओस की, और जो 1.5 घंटे तक मुझे लाओस पहुँचा देगी। इनकी सिटी है वेनिटाने, वेनिटाने पे जाके हम ऑन अराइवल स्टिकर वीज़ा लेंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई कंट्री लाओस में, और मैं हूँ इसकी कैपिटल वेनिटाने में। तो यहाँ पे ऑन अराइवल स्टिकर वीज़ा मिला है, ये मेरा स्टिकर है। तो इसका क्या प्रोसेस है सारा कुछ मैं बताऊँगा, और कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट साथ में लेके आने हैं सारा कुछ मैं आपको होटल में जाके बताऊँगा। और यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर क्या करते हैं, ये मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलो मिलता हूँ जाकर आपको होटल में। पोर्ट ग्रैंड एड फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ पीपल ऑफ जापान एज टेक ऑफ द फ्रेंडशिप एंड कॉरपोरेशन बिटवीन जापान एंड लाओस पीपल डेमोक्रेसी रिपब्लिक 2012 में ये बन के हुआ तैयार हुआ है, और उसकी काफ़ी ज़्यादा इनकी फ्रेंडशिप है जापान और लाओस की। तो इन्होंने जापान ने हेल्प की इनकी काफ़ी ज़्यादा, और इनका जो एयरपोर्ट है काफ़ी खाली खाली दिख रहा है, कम ही फ्लाइट्स आती हैं यहाँ पे शायद। कितने 50 थे? ठीक है। और इनकी करेंसी है किप, अभी हमने वो एक्सचेंज कराई है $50 सिटी सेंटर जाने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा करेंसी इनकी किप है, तो काफ़ी नीचे है करेंसी इनकी। ये है इनकी करेंसी जो 1-1 लाख के नोट हैं, और $50 हमने एक्सचेंज कराए हैं, और हमें मिले हैं 10,75,000। बड़ा अजीब सा एयरपोर्ट है, खाली खाली सारा कुछ, कोई आ नहीं रहा कोई जा नहीं रहा, टैक्सी वाले भी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं यहाँ पे। एयरपोर्ट का ये हाल, और आगे देखो शहर कैसा है जाके पता चलेगा वहाँ पे। देखो पूरा खाली खाली सा एयरपोर्ट है, फ्लाइट्स भी लगता कम ही आती हैं। अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे आपने ऑन अराइवल वीज़ा कैसे लेना है। इंडियन पासपोर्ट के लिए ई वीज़ा आता है, जो ई वीज़ा आप पहले लेके आ सकते हो, और ऑन अराइवल वीज़ा यहाँ पे स्टिकर मिलता है। तो उसकी फ़ीस है $40, आपको $40 अपने पास रखने पड़ेंगे, तो यहाँ इमिग्रेशन को वो देने पड़ेंगे। और एक वीज़ा फॉर्म होता है उसको फिल करना होता है आके यहाँ पे, और वीज़ा फॉर्म की कॉपी मैं यहाँ डाल रहा हूँ, आप देख लेना पॉज करके। तो वो फिल करने के बाद अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास लेके जाना अफसर के पास, वहाँ काउंटर बनाऊँगा, वीज़ा ऑन अराइवल काउंटर पर जाना है आपने। तो वो अपना आपका पासपोर्ट रखेगा, फिर आगे जाओगे फिर आपसे फीस ली जाएगी, और फिर आगे जाओगे आपको पासपोर्ट विद वीज़ा मिल जाएगा। और वीज़ा मिलने के बाद फिर आपने जाना है इमिग्रेशन के काउंटर पे, तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपका वीज़ा देखेगा, और आपको वहाँ एंट्री की स्टैम्प मिलेगी। स्टैम्प मिलने के बाद आप वहाँ से इजीली एग्ज़िट हो सकते हो। तो आपके पास होना क्या चाहिए, आपके पास होना चाहिए
रिटर्न टिकट होनी चाहिए, होटल बुकिंग आपके पास कैश होना चाहिए। तो रिटर्न टिकट अगर नहीं है तो ऑनवर्ड टिकट होनी चाहिए आपके पास। तो यहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे से जब मेरा वो पासपोर्ट चेक कर रहा था तो उसने पता कैसे मेरे से बोला, वो बोल रहा कि $10 प्लीज़, $10 प्लीज़। वो मेरे से रिश्वत मांग रहा था कि मुझे $10 दे दे। तो काफ़ी बार उसने कम से कम मुझे 5-7 बार बोला $10। तो मैंने फिर सोचा यार कुछ गलत ना कर दे, क्योंकि हमने आगे चाइना जाना है, कि चाइना वीज़े पर कुछ स्टैंप वगैरह ना मार दे। तो फिर मैंने उसको $10 दे दिए। आफ्ताब इमिग्रेशन करप्ट है यहाँ की। तो ये सारा एक्सपीरियंस था यहाँ पे। तो जब मैं एयरपोर्ट पे था तो ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल ही यहाँ फ्लाइट आई पे नहीं, कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, बिल्कुल खाली एयरपोर्ट था। लेकिन अभी शहर में आए हैं तो थोड़ा सा देखेंगे यहाँ घूम के कैसा है लाओस। 3 दिन के लिए यहाँ पे, उसके बाद जाएंगे हम चाइना। तो चाइना का वीज़ा कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, उसकी वीडियो भी आएगी। तो चलो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।